गांव का टॉयलेट साफ करने वाली गरीब सास बहू। अरे बहू, जल्दी जल्दी काम में हाथ बढ़ा। तुझे पता है ना, तेरे बाबूजी अगर काम के लिए लेट होते हैं तो वह खाना भी छोड़कर चले जाते हैं। अरे हाँ माँ जी, मुझे सब पता है, आप चिंता मत करो। उनके निकलने से पहले मैं पूरा टिफिन पैक करके उन्हें दे दूंगी। हेमा और अंशिका दोनों रसोई में अपने पतियों के लिए खाना बना रही होती हैं। तभी दुर्गेश और राहुल दोनों नाश्ते की टेबल पर आकर नाश्ते का इंतजार करने लगते हैं। अरे जल्दी जल्दी ले आओ, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। तभी हेमा और अंशिका दोनों सास बहू नाश्ता लाकर नाश्ते की टेबल पर रख देती हैं और राहुल और उसके पिता दुर्गेश को परोस देती हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है नाश्ते से, आखिर किसने बनाया है नाश्ता? अरे और कौन बना सकता है, आपकी बहू ने बनाया है। पता नहीं कौन सा जादू है इसके हाथों में जो खाने में भी जान डाल देता है। हाँ माँ, ये तो बात बिल्कुल पते की कही है आपने, अंशिका के हाथों में तो जादू है। दोनों बाप बेटा नाश्ता करके अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, जिसके बाद हेमा और अंशिका दोनों सास बहू घर के काम करने लगती हैं। जैसे जैसे शाम होती है, शाम को राहुल अपने ऑफिस से वापस आ जाता है, लेकिन आने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वह हर थोड़ी देर में जोर जोर से खांसने लगता है। अरे अंशिका, तुम एक काम करो, मेरे लिए गर्म पानी करके लाओ, मुझे लगता है कि मुझे खांसी हो गई है। अंशिका गर्म पानी लाकर राहुल को दे देती है, जिसके बाद राहुल पानी पी लेता है, लेकिन उसकी खांसी ठीक नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ जब दुर्गेश अपने काम पर से वापस आता है तो उसकी भी तबीयत खराब होती है। दुर्गेश को सर्दी लग जाती है। हे भगवान, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कोई रजाई निकाल दो मेरे लिए। दुर्गेश और राहुल दोनों ही बीमार पड़ जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों अपने कमरों में आराम करने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी तबीयत को खराब हुए पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है, जिसके हाड़ डॉक्टर उनका चेकअप करके उनसे कहते हैं, देखिए दोनों को डेंगू हो गया है, बाहर डेंगू बहुत फैला हुआ है, अगर इलाज पूरी तरह नहीं हुआ तो आपके पतियों को खतरा है। डॉक्टर साहब, इलाज में कितना खर्चा आएगा? यही कुछ 20 से 25 हजार तक। लेकिन इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। इलाज तभी होगा जब पैसा होगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद हेमा अंशिका से कहती है, अरे बहू, अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है, ऊपर से इन दोनों की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि हमारे पास इनकी दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं है। इलाज नहीं हुआ तो इन दोनों की जान को खतरा है। माँ जी, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास तो और कोई उपाय भी नहीं है। अरे बहू, हमारे पति हमें हमेशा कमा कर खिलाते हैं, अब हमारा वक्त है कि हम उन्हें कमा कर खिलाएं और उनका इलाज ठीक से करवाएं। आप बिल्कुल ठीक कहती हो माँ जी। अगले दिन से दोनों सास बहू गांव में काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन दिन भर यहां से वहां घूमने के बाद भी उन दोनों को पूरे गांव में कहीं भी कोई काम नहीं मिलता, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। लेकिन जब वह वापस घर की तरफ लौट रही होती हैं तो उन्हें एक आदमी मिलता है। ओहो, अब क्या करूं, ये काम किससे करवाऊं, कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है। उस आदमी को अपने आप से ये कहते हुए दोनों सास बहू सुन लेती हैं, जिसके बाद वे दोनों उस आदमी के पास जाती हैं। अरे भाई साहब, अगर कोई काम है तो हमें बता दीजिए, हम दोनों सास बहू कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। वह आदमी हेमा और अंशिका को गांव के एक टॉयलेट के पास ले जाता है। देखो, अगर तुम इस टॉयलेट को साफ करोगी तो मैं तुम्हें रोजाना का 100 रुपया दूंगा। हे भगवान, इतना गंदा काम, ची 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 ची, इतना गंदा काम मैं कभी नहीं करूंगी। हेमा ऐसा कहती है कि अंशिका टॉयलेट जाकर साफ करने लगती है। उसे टॉयलेट साफ करते हुए देख हेमा उससे कहती है, अरे बहू, इतना गंदा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा पति बीमार है और मेरे ससुर भी, मुझे ये काम करने में कोई आपत्ति नहीं है माँ जी। अंशिका की ऐसी बात सुनकर हेमा भी उसके साथ टॉयलेट साफ करने लगती है, जिसके बाद दोनों सास बहू को टॉयलेट साफ करने के 200 रुपए मिल जाते हैं। वह दोनों उन पैसों से अपने पतियों के लिए खाना और दवाइयां लेकर जाती हैं। मैं और पिताजी इतने दिनों से काम पर नहीं गए, फिर पैसे कहां से आए तुम दोनों के पास? दरअसल माँ जी ने और मैंने काम करना शुरू कर दिया है और हमारी नौकरी भी बहुत आरामदायक है, हमें तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, एकदम साफ सुथरा काम है।
अरे जब तक तुम दोनों ठीक नहीं हो जाते, हम दोनों कमाकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे, और जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम दोनों मिलकर दोबारा से कमाना शुरू कर देना। दोनों सास बहू अपने पतियों से झूठ बोल देती हैं, जिसके बाद ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे राहुल और दुर्गेश की तबीयत ठीक होने लगती है। एक दिन दुर्गेश और राहुल दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अरे बेटा, अब हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, क्यों ना अब हम अपने लिए काम ढूंढ लें। हाँ, आप बिल्कुल सही कहते हो, माँ और अंशिका भी हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, अब हमें इन्हें और मेहनत करने नहीं देना चाहिए। राहुल और दुर्गेश दोनों ही काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उन दोनों को एक टॉयलेट नजर आता है, जिसमें हेमा और अंशिका दोनों काम कर रही होती हैं। उन दोनों को टॉयलेट साफ करते हुए देख राहुल और दुर्गेश को बहुत गुस्सा आता है। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। राहुल और दुर्गेश दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसके बाद वह उन दोनों के पास जाकर उनसे कहते हैं। तो ये था तुम्हारा आरामदायक काम और बिल्कुल साफ सुथरा? अरे हमारी दवाइयाँ खरीदने के चक्कर में तुमने इतनी मेहनत की और ऐसा गंदा काम किया। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये हमारी सोच होती है। लेकिन आज के बाद से तुम दोनों को ऐसा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम दोनों अपने आप कमा सकते हैं। उस दिन के बाद से दुर्गेश्वर राहुल दोनों ही काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन अंशिका और हेमा दुर्गेश और राहुल से कहते हैं, दरअसल हम दोनों ने कुछ सोचा है, हम दोनों सोच रहे थे क्यों ना हम भी अपना खुद का एक टॉयलेट बनवाएं। गांव में एक ही टॉयलेट है और उसके अंदर जाने के लिए लोगों को 5 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन हम अपने टॉयलेट में लोगों को 2 रुपए में ही आने देंगे। इससे हमारी कमाई भी होगी और हम टॉयलेट साफ करने के लिए एक जमादार भी रख लेंगे। राहुल और दुर्गेश को हेमा और अंशिका का आइडिया बुरा नहीं लगता, जिसके बाद वह दोनों अपनी सेविंग से गांव में एक टॉयलेट बनवा देते हैं। देखते ही देखते गांव के सभी लोग हेमा और अंशिका के टॉयलेट में आने लगते हैं, जिसके बाद उनकी अच्छी खासी कमाई होना शुरू हो जाती है। अब वह भी कमा कर अपने पतियों का साथ देती हैं और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। रात का समय होता है, सभी लोग अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं, तभी रात के समय सुरभि कपकपाती हुई अपने बिस्तर से उठती है। ओहो, कितनी ठंड हो रही है, ऊपर से इतनी ठंड में मुझे प्यास लग रही है, पानी पीने गई तो कहीं ठंड से मैं जम ना जाऊं। सुरभि गरम शॉल ओढ़कर किचन की तरफ जाती है और एक गिलास पानी पीने लगती है। उसके उठने की आवाज से कौशल्या की आंखें खुल जाती है और वो अपने कमरे से सुरभि को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहू, अगर तू उठी है तो एक काम कर, मेरे पास की अंगीठी में आग कम हो गई है, थोड़ी सी लकड़ी डालकर जला दे। अभी आई माँ जी। सुरभि अपनी सास के कमरे में जाती है और अंगीठी में थोड़ी बहुत लकड़ियाँ डालकर जलाने लगती है, जिसके बाद आग जलने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, थोड़ा सा आग के सामने हाथ पैर सेक लो तो आनंद सा आ जाता है। इस घमासान सर्दी ने तो हम बूढ़ों का जीना ही हराम कर रखा है। अब क्या बताऊं माँ जी, सर्दी के चलते बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता है। अच्छा बहू, ये सब तो ठीक है, लेकिन शाम से मैंने चिराग को कहीं देखा नहीं है, आखिर चिराग गया कहाँ है? अरे माँ जी, कहाँ आए हैं चिराग जी? तभी आधी रात के समय अचानक उनके घर का दरवाजा बजने लगता है। अरे इस समय कौन आया होगा? अरे और कौन हो सकता है, एक ही तो है हमारे घर में, जिसके आने का कोई टाइम ही नहीं है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती हो, लगता है चिराग जी आ गए हैं। जैसे ही सुरभि दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर चिराग के साथ साथ कुछ गुंडे भी खड़े होते हैं। चिराग नशे की हालत में होता है। चलो ये घर खाली कर दो, अब तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकती। अरे चिराग जी, आपने ये अपनी हालत क्या बना रखी है? ए सियानी, ज्यादा मच मत कर, चुपचाप से इस घर को खाली कर दे। मेरे पति ने शराब के नशे में तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम कर दी है। काली अपने साथियों के साथ मिलकर बेचारी कौशल्या और सुरभि को घर से बाहर निकाल देते हैं। दोनों के दोनों आधी रात के समय ठंड में यहाँ से वहाँ ठंड से बचने के लिए ठिकाना ढूंढ रही होती है, जिसके बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये सब हमारे साथ क्या हो गया,
चिराग ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, उसने सब कुछ बेच दिया भगवान। माँ जी, हम तो अर्श से फर्श पर आ गए, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है। ठंड से कपकपा कर दोनों की हालत बुरी हो जाती है और वो दोनों रोने लगती हैं। तभी पेड़ में से आवाज आती है, रोना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम दोनों परेशानी में हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? सुरभि और कौशल्या पेड़ के अंदर से आवाज सुनकर हैरान हो जाती हैं और बहुत डर जाती हैं। देखो, तुम दोनों मुझसे डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं जानता हूँ तुम दोनों मुश्किल में हो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। हम बेघर हो गए हैं, हमारा अब कोई ठिकाना नहीं है, ऊपर से इतनी सर्दी में हम दोनों सास बहू तो यही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। पेड़ के इतना कहते ही वहाँ पर एक लकड़ी का हीटर प्रकट होता है। ये कोई मामूली हीटर नहीं है, ये एक जादुई लकड़ी का हीटर है, इसे बिजली की आवश्यकता नहीं है, तुम इसे आग से जला सकती हो, जितने बार भी इसे जलाओगी ये राख नहीं होगा बल्कि ये जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या ये सच में जादुई हीटर है? ऐसा कहकर कौशल्या एक माचिस की तीली से उस जादुई लकड़ी के हीटर को जलाती है, जिसके बाद वो जलने लगता है। दोनों सास बहू पूरी रात उसके सामने हाथ सेक कर निकाल देती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कौशल्या अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, हमारे पास जादुई हीटर तो है, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? अरे माँ जी, उसके लिए तो हमें कष्ट उठाना होगा, यानी कि हमें कुछ काम करना होगा। चलो, हम अपने लिए काम ढूंढ लेते हैं। कौशल्या और सुरभि दोनों सास बहू अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद दोनों को एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है और रहने के लिए एक कमरा भी। देखो, मैं तुम्हें महीने के केवल एक ही बार तनख्वाह दिया करूंगी, उसके बीच में तुम दोनों मुझसे पैसे नहीं मांगोगी। कौशल्या और सुरभि को ये सब मंजूर होता है, जिसके बाद ठंड में एक तरफ वो घर के काम करती हैं, दूसरी तरफ अपनी जादुई लकड़ी के हीटर पर आकर थोड़ी सी गर्माहट ले लेती हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें नौकरी के साथ साथ ये जादुई लकड़ी का हीटर भी मिल गया, कम से कम ये सर्दियाँ तो हमारी अच्छे से निकल ही जाएंगी। हाँ माँ जी, भला हो उस जादुई पेड़ का जिसने हमें ये जादुई लकड़ी का हीटर दिया है। वो दोनों सास बहू आपस में लकड़ी के हीटर पर उसकी गर्माहट लेते हुए बात कर रही होती हैं। तभी ये सारी बातें उनकी मालकिन खिड़की से सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, इनका ये हीटर कोई मामूली हीटर नहीं बल्कि लकड़ी का जादू हीटर है। अब इस हीटर को तो मैं चुरा लूंगी, उसके बाद मुझे इसकी इन सर्दी में लाखों में कीमत मिलेगी। सुभी और कौशल्या की मालकिन के मन में लालच आ जाता है, जिसके बाद वो हीटर को चुराने का मौका ढूंढने लगती है। एक रात सुरभि और कौशल्या दिन भर के काम को करके थक जाती हैं और गहरी नींद में सो जाती हैं। अरे वाह, दोनों सास बहू जादुई लकड़ी के हीटर को जलाकर सो रही है, यही वक्त है, मैं इस जादुई लकड़ी के हीटर को चुराकर ले जाऊं। जैसे ही वो हीटर को चुराने के लिए हीटर को अपने हाथों से उठाती है, अचानक से उसके हाथ जलने लगते हैं और उसे हीटर में से एक आवाज आती है, ये हीटर जादुई हीटर जरूर है, लेकिन ये हीटर तुम जैसे लालची लोगों के काम कभी नहीं आएगा। अगर तुम जैसे लालची इस जादुई हीटर का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करोगे तो तुम जैसे लालचियों के हाथ जल जाएंगे। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा कभी भी लालच नहीं करूंगी, मेरे हाथ जल रहे हैं, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। तभी कौशल्या और सुरभि की नींद खुल जाती है और वो अपने मालकिन के हाथों को जलते हुए देखकर उसके हाथों पर पानी डाल देती हैं। हे राम रे राम, जल गए मेरे हाथ, अब क्या करूं? अरे मालकिन, आप हमारे कमरे में क्या कर रही हो और आपके ये हाथ कैसे जले? दरअसल मैं रसोई में काम कर रही थी, मुझे खाना गर्म करना था, लेकिन मैं रसोई में काम ही क्या करती हूँ तो मुझे गैस जलानी नहीं आती, इसी कारण मेरे हाथ जल गए थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं यहाँ आ गई। अरे मालकिन जी, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे बता देती, मैं आपकी मदद कर देती। अरे नहीं नहीं,
मैं ठीक हूँ। चलो तुम दोनों सो जाओ, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। वो ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज इस जादुई लकड़ी के हीटर के चलते मेरी जान ही चली जाती। आज के बाद मैं जादुई लकड़ी के हीटर को कभी नहीं छूंगी। उस दिन के बाद से कौशल्या और सुरभि दोनों सास बहू बेचारी अपनी सर्दियां जादुई लकड़ी के हीटर के सहारे गुजार लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी मालकिन को ज्यादा लालच ना करने की सीख भी मिल जाती है। अब वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तनिषा अपने कमरे में रात के समय छुप कर मिट्टी खा रही होती है, जिसके मिट्टी खाने की आवाज से राघव नींद से जाग जाता है। अरे आखिर ये कटर कटर की आवाज कहाँ से आ रही है? राघव चुपके से तनिषा को देख लेता है, जिसके बाद वो तनिषा से कहता है, अरे तनिषा, इतनी रात के समय तुम क्या खा रही हो, जरा मुझे दिखाओ। तनिषा घबरा जाती है और मिट्टी छुपाने लगती है। अरे कुछ नहीं, बस थोड़े से बादाम खा रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम यहाँ छुपकर मिट्टी खा रही हो? अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, भला मैं मिट्टी क्यों खाऊंगी, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। राघव तनिषा के मुंह पर लगी हुई मिट्टी देख लेता है, जिसके बाद उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि तनिषा रात के समय छुपकर मिट्टी खा रही थी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम छुपकर मिट्टी खा रही थी, अब चुपचाप मुझे मिट्टी दिखा दो, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा। तनिषा राघव के कई बार कहने के बाद भी राघव को मिट्टी नहीं देती, जिसके बाद राघव को जबरदस्ती उसके हाथ से मिट्टी छीननी पड़ती है। कितनी बार समझाया है कि मिट्टी मत खाओ मत खाओ मत खाओ, लेकिन तुम हो कि हमारी बात को समझती नहीं हो। अरे इस मिट्टी से तुम्हें कितनी बीमारियां हो सकती हैं, तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है? अजी मैं तो बचपन से ही मिट्टी खा रही हूँ, अगर बीमारी होनी होती तो पहले ही हो जाती, अब क्या मुझे कोई बीमारी होगी, अब तो मुझे मिट्टी खाने की आदत हो गई है। तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम्हें और हमें एक दिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। अजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी मिट्टी नहीं खाऊंगी। यही बात तुम पहले भी कई बार कह चुकी हो, अगर इसके बाद मुझे तुम्हारे पास मिट्टी या फिर मुझे मिट्टी खाते हुए दिखाई पड़ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? राघव तनिषा को बहुत ज्यादा डांटता है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, राघव खाने की टेबल पर नाश्ता करते हुए अपनी माँ अंजना से कहता है, माँ आप तनिषा का ध्यान क्यों नहीं रखती हो, अरे आखिर इसके पास इतनी मिट्टी आती कहाँ से है, मेरी बात मानो, घर में जितनी भी मिट्टियां हैं उसे निकाल फेंको। अरे कितनी बार तो मैंने मिट्टियां निकाल निकाल कर फेंकी हैं, लेकिन तेरी बहू इतनी महान है कि बाहर से खरीद कर ले आती है, अब तो इसके पेट में भी दर्द रहता है, लेकिन ये हमारी बात मानती कहाँ है। अरे माँ जी पेट में दर्द तो खाना ना खाने की वजह से होता है, ऐसी बात नहीं है कि मिट्टी खाने से मेरे पेट में दर्द होता है। अरे बस कर बहू, कितना झूठ बोलती है, तेरी हालत तेरे शरीर से ही दिख जाती है, मिट्टी खा खा कर तूने अपने शरीर और अपने चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ लिया है। तनिषा अपनी सास और अपने पति की बातें सुनती रहती है, लेकिन उसे जरा भी उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता। वो एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकालती है और रोज कहीं ना कहीं से मिट्टी लाकर खाने लगती है। कुछ दिनों में उसके पेट का दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वहीं दूसरी तरफ उसके पाचन तंत्र में भी दिक्कत हो जाती है और उसके छोटे छोटे कीड़े निकलने लगते हैं। एक दिन जब तनिषा ये सब देखती है तो वो खुद से कहती है, अरे बाप रे बाप, ये क्या, मेरे मल में तो कीड़े निकलने शुरू हो गए, अब मैं क्या करूं, ऊपर से मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। तनिषा मिट्टी खाने की वजह से अपनी ये परेशानियां ना तो अपने पति को बताती और ना ही अपनी सास को। रोज रोज उसकी सास और उसका पति भी उसे बोल बोल कर परेशान हो चुका था, इसलिए उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया था। देखते ही देखते तनिषा को भूख भी लगनी बंद हो जाती है और वो दिन प्रतिदिन सूखने लगती है। अरे तनिषा चलो बैठो तुम भी हमारे साथ, खाना खाओ। नहीं जी मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे क्यों बहू, क्या हुआ, तुझे कई दिनों से देख रही हूँ तू खाना भी नहीं खा रही है। अरे माँ जी बस थोड़ा सा पेट में दर्द है, इस वजह से मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। जब इतनी मिट्टी पेट भरकर खाएगी तो खाना थोड़ी ना खा पाएगी तू। क्या हुआ है तुम्हारे पेट में, चलो मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ, वो तुम्हें दवाई दे देंगे और तुम्हें आराम पड़ जाएगा। राघव की ये बात सुनने के बाद तनिषा अपने मन ही मन सोचती है, अगर मैं इनके साथ डॉक्टर के पास चली गई तो इन्हें पता चल जाएगा कि मिट्टी खाने की वजह से मुझे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, फिर ये मुझे मिट्टी खाने भी नहीं देंगे और डांटेंगे अलग से। अरे बहू क्या सोच रही है, जा चली जा डॉक्टर के पास, डॉक्टर तुझे अच्छी दवाई दे देगा। अरे नहीं माँ जी, दवाई तो मेरे पास पहले से ही है,
और मैं दवाई खा चुकी हूँ और अब मुझे मेरे पेट के दर्द में आराम भी लग रहा है। और वैसे भी पेट में दर्द तो होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर तनीषा घर के कामों में लग जाती है, जिसके बाद अंजना और राघव भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करते। राघव नाश्ता करके अपनी ड्यूटी निकल जाता है और अंजना सत्संग जाने के लिए निकल जाती है और घर पर तनीषा अकेली रह जाती है। अच्छा हुआ माँ जी और राघव जी बाहर चले गए, अब मैं मिट्टी लेकर आऊंगी और आराम से बैठकर मिट्टी खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। तनीषा अपने गांव के कुम्हार के पास जाकर मिट्टी लेकर आती है और अपने घर ले जाकर आराम से खाने लगती है। अरे वाह क्या बात है, जब तक मिट्टी ना खा लूं मेरा तो दिन ही नहीं गुजरता, अब थोड़ी सी राहत आई है। तनीषा धीरे धीरे बहुत सारी मिट्टी खा जाती है, जिसके बाद उसे पेट में बहुत तेज दर्द उठता है जो उसे बर्दाश्त भी नहीं हो पाता। हे भगवान ये क्या, मुझे तो बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में, अब मैं क्या करूं? तनीषा दर्द के मारे रोने लगती है, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके राघव को फोन करके बुलाती है और उसे अपने पेट के दर्द के बारे में बताती है। राघव जी आप जहाँ भी हो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही मेरी जान निकल जाएगी। तनीषा तुम बस 10 मिनट रुक जाओ, मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, चिंता मत करो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राघव तुरंत अपने ऑफिस से निकलता है और अपने घर पहुंचकर तनीषा को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिसके बाद डॉक्टर मनीषा का चेकअप करते हैं और राघव को बताते हैं, देखिए आपकी पत्नी बहुत ज्यादा मिट्टी खाती है जिसकी वजह से उसके पेट में कीड़े बन गए हैं और ऊपर से पेट में पथरी भी हो गई है, अब हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं आपको लाकर दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। राघव की बात डॉक्टर सुनता है और तनीषा का ऑपरेशन करना शुरू कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर तनीषा के पेट से पथरी और सारे कीड़े निकाल देते हैं और उसके पेट के भी अच्छे से सफाई कर देते हैं, जिसके बाद तनीषा का पेट दर्द कम हो जाता है। देखा तनीषा हमारी बात न मानने का नतीजा, मैंने कहा था कि तुम्हारी इस मिट्टी खाने की आदत की वजह से हम सबको एक दिन बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे माफ कर दीजिए राघव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा अब मुझे मिल रही है। आज के बाद मैं कभी भी मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सबक मिल गया है। उस दिन के बाद से तनीषा मिट्टी खाना बंद कर देती है और अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर देती है। कुछ ही महीनों में तनीषा पहले की तरह स्वस्थ और हेल्दी हो जाती है। अब तनीषा अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।